शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखकर डर जाएगा। लाइट जाते ही यह सब सोचने के बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। रवि से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों रोज फोन पर बातें किया करते थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। रवि ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ में नहीं आता था, मेरे नैन नक्श अच्छे थे इसीलिए मेरी तस्वीर भी बहुत अच्छी आती थी। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वो देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, मन ही मन घबरा रही थी कि अगर मेरा मेकअप उतर गया तो रवि कहीं मुझे देखते ही छोड़ ना दे। इसीलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो एक मेरा नाम नैना है, मैं दिखने में एकदम काली थी इसीलिए मेरे लिए जो रिश्ता आता मेरे काले रंग को देखकर मुझे नापसंद कर देता। इस बात को लेकर मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे कि आखिर मेरी शादी होगी भी कि नहीं। अपनी दोनों बहनों में से मैं सबसे काली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थी पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सावली सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता था। लड़के वाले मुझे देखने तो आते पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते। अगर मेरी सावली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी, अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सावली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते कि यह लड़की तो बहुत सावली है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर कुछ दिन बाद मेरी उम्मीद की किरण तब नज़र आई जब मैंने फेसबुक ओपन किया। फेसबुक पर ही मेरी मुलाकात रवि से हुई थी। रवि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे, मैंने फेसबुक पर उनकी तस्वीर देखी थी। मैंने फेसबुक को लॉगिन किया तो उसमें मेरे नाम के सिवा और कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर फेसबुक पर नहीं डाली थी, पर जब मैंने रवि को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी, तो बातों ही बातों में उन्होंने मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब रवि ने ज़्यादा जिद की तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फिल्टर करके भेज दी। मेरे नैन नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था, और फिल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आई थी। तस्वीर देखते ही रवि मेरी बहुत तारीफ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी फेसबुक पर बातें हुई। उसके बाद रवि ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई और रवि के बारे में सब कुछ बताया कि रवि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर रवि के घर का एड्रेस लिया। पता पाने के बाद माँ और भैया रवि को देखने उनके घर गए। मैं बहुत खुश थी, पर न जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा, कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि रवि घर के इकलौते बेटे थे और वो भी शादी सादगी से करना चाहते हैं, यह क्या बात हुई। मेरी शादी इतनी मुश्किलों के बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी शादी रवि से हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी होने से बिना किसकी से मेरी शादी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या है, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को अपना बना लूँगी।
माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वालों ने भी हमारी यह शर्त मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, नैना शादी की पहली रात को अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। उस वक्त मैंने भाभी की बातों का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे भाभी की बात याद आ गई। लाइट के जाते ही मैं घबराकर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक से कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा रवि बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार रवि को सामने से देखा था। मैं खुद चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा तामझाम ना हो, कि लड़के मेरी सावली रंगत को देखते ही मुझे छोड़ दे। मेरे घर वाले ही रवि को देखने रवि के घर गए थे और रवि के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी, इसीलिए आज मैं पहली बार सामने से रवि को देखी थी। फेसबुक पर मैंने जैसा देखा था रवि बिल्कुल वैसे ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से देखी तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि कहीं वो मेरे सावले चेहरे की वजह से मुझे छोड़ ना दें। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी, फिर अचानक रवि ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए रवि ने मुझे मुँह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुँह से अपनी तारीफ सुनी थी और वो भी आज मेरा पति मेरा तारीफ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद रवि की मोहब्बत कम ना हो जाए। और मैं यही सब सोच रही थी तभी रवि ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़ों से तुम परेशान हो रही होगी। रवि की इस बातों ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी थी। अब क्या होगा, मैं बहुत घबराई हुई थी, पर रवि बार बार यही बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी वॉशरूम में गई और मुंह धो करके एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर रवि की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वो मुझे देखते ही कहने लगे, अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बातों से मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या, एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहें और ये मेरी तारीफ करते जा रहे हैं। और मेरी तारीफें करते हुए कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट से हुई पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक ने मेरी ज़िंदगी अंधेर करके रख दी। रवि दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा स्टैंड के सहारे भचकते हुए चल रहे थे। लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोला। रवि की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। यह सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी ननद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रखकर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि जब माँ रवि को देखकर आई थी तो इतना चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि रवि की एक टांगे नहीं है। किसी ने एक बार भी यह बात मुझसे नहीं कही। उन्हें तो ये था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी कि रवि मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे और फिर मुझे कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था, शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा, नैना हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था, हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी यह बात आज पता चला कि तुम इतनी सावली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना ही कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए रवि ने मेरे हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं झटकारते हुए सोफे पर जाकर सो गई।
मेरी हरकत देखकर कुछ पलों मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10-12 दिन बीत गए, पर मैं रवि से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती पर रवि से नहीं। रवि जब भी कमरे में आते मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो घर से ही लैपटॉप पर काम करते थे। जब मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो वो बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा रवि अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते, उन्हें अगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी, गुस्से से मुंह फेर लेती थी। रवि अगर भूल कर भी मुझसे कोई अपनी चीज मांगते तो मैं उन्हें चिढ़ कर जवाब देती थी, पर वो मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते बल्कि मेरी हर खरी खोटी सुन लेते थे। एक दिन रवि ने मुझसे कहा कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहीं ले जा सके। मेरी इस बात पर उनका चेहरा बुझ सा गया, वो कहने लगे मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखती हूँ कि ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कितना खूबसूरत लड़का है और बीबी को देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर, लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरा खून खौल गया, उन लोगों ने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए। मेरा चेहरा देखते ही रवि समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। नैना, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहो वो फैसला कर सकती हो, तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। रवि की यह बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा, मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और रवि को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद मैं वापस अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और ननद तेज लहजों में मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। वो रवि से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम इस काली महरानी को पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत सी लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है, तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रवि ने गुस्से से कहा, बस करिए माँ, नैना मेरी पत्नी है और वो कितनी खूबसूरत है यह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने का। खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। मैं अभी यही सब सोच रही थी तभी रवि कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई। मैंने कहा सही वक्त पर पहुँच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं पैरों के पास बैठा हुआ देखकर हैरान हो गए और बोले, नैना तुम यह क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो। उनके इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि रवि ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, इसीलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनमें कमियाँ निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रवि से माफ़ी मांगी और आज मैंने रवि को अपना सब कुछ सौंप दिया। आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।